मॉर्निंग स्टूडेंट, सेवंथ क्लास। सेवंथ क्लास देखिए, आज अपन पढ़ेंगे हर इंसान बराबर है। क्या पढ़ेंगे आज अपन? हर इंसान बराबर है। तो देखिए, हर इंसान बराबर है पढ़ने से पहले अपन इसके कुछ मायने देखते हैं। मायने आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, पहला है बाशिंदा। बाशिंदा यानी कि रहने वाला। बाशिंदा यानी कि रहने वाला। फिर है मान। मान का मतलब होता है इज्जत। मान का मतलब होता है इज्जत। मान का मतलब होता है इज्जत। फिर है समान। समान का मतलब होता है बराबर। समान का मतलब होता है बराबर। फिर है दरबान यानी कि चौकीदार। दरबान यानी कि चौकीदार। दरबान यानी कि चौकीदार। फिर है कुटिया, झोपड़ी। फिर है कुटिया, झोपड़ी। फिर है आलीशान, बड़ी शान वाला। आलीशान, बड़ी शान वाला। फिर है पटवारी, जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। पटवारी का मतलब होता है जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। फिर है मीरासी, खानदानी पेशावर गवैया। मीरासी, खानदानी पेशावर गवैया। फिर है भंडारी, खानदानी बावर्ची भंडार का मालिक। भंडारी, खानदानी बावर्ची भंडार का मालिक। फिर है सरदारी, हुकूमत। फिर है सरदारी यानी कि हुकूमत। सरदारी यानी कि हुकूमत। तो देखिए, इसके मायने थे, ये अपन को याद होना चाहिए जब अपन के सबक समझ में आएगा। बाशिंदा यानी कि रहने वाला। बाशिंदा यानी कि रहने वाला। बाशिंदा यानी कि रहने वाला। मान यानी कि इज्जत। मान यानी कि इज्जत। मान यानी कि इज्जत। समान यानी कि बराबर। समान यानी कि बराबर। दरबान यानी कि चौकीदार। दरबान यानी कि चौकीदार। कुटिया यानी कि झोपड़ी। कुटिया यानी कि झोपड़ी। आलीशान, बड़ी शान वाला। आलीशान, बड़ी शान वाला। फिर है पटवारी, जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम। पटवारी, जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। फिर देखिए मीरासी, खानदानी पेशावर गवैया। मीरासी, खानदानी पेशावर गवैया। भंडारी, खुदा खानदानी बावर्ची भंडार का मालिक। भंडारी यानी कि खानदानी बावर्ची भंडार का मालिक। फिर है सरदारी, हुकूमत। सरदारी, हुकूमत। तो देखिए, ये इसके मायने हैं, ये हमें मायने याद होना चाहिए। तो देखिए, आज पढ़ेंगे अपन हर इंसान बराबर है। तो देखिए, चीनी हो जापानी हो, चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, रूसी हो ईरानी हो, यानी कि वो चीन का रहने वाला। चीनी यानी कि चीन का रहने वाला। चीनी यानी कि चीन का रहने वाला। जापानी यानी कि जापान का रहने वाला। चीनी यानी कि चीन का रहने वाला। जापानी यानी कि जापान का रहने वाला। चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, यानी कि रूसी यानी कि रूस का रहने वाला। ईरानी यानी कि ईरान का रहने वाला। बाशिंदा हो लंका का, या फिर वो लंका का रहने वाला हो, या फिर वो लंका का रहने वाला हो। या वो हिंदुस्तानी हो, या फिर वो हिंदुस्तानी हो। देखो, चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का। तो क्या कह रहे हैं? बाशिंदा हो लंका का, या वो हिंदुस्तानी हो, या फिर वो हिंदुस्तान का हो। सबका मान
बराबर है, सबका क्या है, सबका मान बराबर है, यानी कि सबकी इज्जत बराबर हो, चाहे से वो चीन का रहने वाला हो या रूस का रहने वाला हो या जापान का रहने वाला हो या ईरान का रहने वाला हो, वो कहीं का भी रहने वाला हो। तो देखिए सबका मान बराबर है, सबकी इज्जत क्या है, बराबर है। सबका मान, मान का मतलब होता है इज्जत, मान का मतलब क्या होता है, इज्जत। सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, हर इंसान बराबर है। फिर देखिए अनवर हो अरबिंदु हो, चाहे से वो अनवर हो या अरबिंदु हो, मरियम हो या इंदु हो, या फिर वो मरियम हो या फिर वो इंदु हो, मुस्लिम हो या ईसाई, या मुसलमान हो या वो ईसाई हो, सिख हो या हो हिंदू हो। देखिए चाहे से वो अनवर हो या अरबिंदु हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है। सबका क्या है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो देखिए आप इसको ध्यान से पढ़ पढ़ के याद करो। चीनी क्या लिखा हुआ है, चीनी हो जापानी हो, चीनी हो जापानी हो, चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, रूसी हो ईरानी हो, या बाशिंदा हो लंका का, या बाशिंदा हो लंका का, या वो हिंदुस्तानी हो। देखिए शब्द पर आप ध्यान से याद करेंगे, पढ़ पढ़ के याद करेंगे इसको। तो देखिए चीनी हो जापानी हो, पहला क्या है, चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, रूसी हो ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का, बाशिंदा हो लंका का, या वो हिंदुस्तानी हो, या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, सबकी इज्जत क्या है, बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, हर इंसान कैसा है, बराबर है। देखिए अनवर हो अरबिंदु हो, देखिए अनवर हो अरबिंदु हो, मरियम हो या इंदु हो, मरियम हो या इंदु हो, मुस्लिम हो या ईसाई, मुस्लिम हो या ईसाई, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, या वो सिख हो या वो हिंदू हो, सबका मान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्या है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो 7th क्लास आप इसको एक एक शब्द पे उंगली रख के याद करो। देखो चीनी हो जापानी हो, रूसी हो ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का, या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, अनवर हो या अरबिंदु, अनवर हो अरबिंदु हो, अनवर हो अरबिंदु हो, मरियम हो या इंदु हो, मुस्लिम हो या ईसाई, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका
सबका मान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो देखिए सेवन क्लास, आप इसको याद करेंगे और इसको लिखेंगे भी, ठीक है।